ये फर्स्ट गेट है, गेट के अंदर जाके देखेंगे क्या क्या है। मुझे भी पता नहीं, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर। अभी एंटर कर रहे हैं हम लोग गेट से। जैसा कुछ है, शायद यह मूर्ति था। अभी आधा ही बाकी है, सिर्फ पाँव है। आप लोग देख सकते हो, सिर्फ पैरों के निशान ही है।
शरीर के ऊपर का हिस्सा नहीं है यहाँ पर। अभी जो दिखाया चारों दिशा से चार दरवाजे जैसा कुछ, चारों तरफ ही ऐसे बैठने वाला काला काला पत्थर है। यहाँ पे बैठ के क्या करते होंगे मुझे भी इतना पता नहीं, ये देखने से अंदाजा लगाया मैंने। चारों तरफ ऐसे के पास यहाँ जाने का परमिशन नहीं है, बाहर से ही दिखा रही हूँ मैं। मैं बाहर से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ देर पहले हम लोगों ने जो देखा वो अभी बाहर से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। चारों तरफ से बाहर से कैसे दिखाई देता है वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ से एक एंट्रेंस है, आप लोग देख सकते हो, यह भी ऐसे ही है, सेम ही चारों तरफ होगा ऐसा लगता है मुझे। देखिए आप लोग, और चारों ओर से दीवारों पे ये मूर्ति कला है, बहुत अच्छी तरह से काम किया हुआ है। देखिए मैं नीचे से घूम के जा रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ चारों ओर से और ये दूसरी एंट्रेंस है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। देखिए ये तीसरी एंट्रेंस है जो कुछ देर पहले ऊपर से दिखाया था मैंने आप लोगों को। और ये चौथी वाली एंट्रेंस है। इन सीढ़ियों से पता चलता है कि यही मेन एंट्रेंस होगा, क्योंकि और तीनों दिशाओं से कोई सीढ़ियां नहीं है। यहाँ और एक स्पॉट है यहाँ का, वहां पर जाएंगे हम लोग और देखेंगे वहां पर क्या क्या है। ये तो अभी पीछे जो दिखाई दे रहा है वो तो हम लोगों ने देख चुके हैं, अभी जाएंगे और एक जगह में
ये फर्स्ट गेट है और एक गेट है, वहाँ पे जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग आ चुके हैं दूसरे गेट पर, उधर से एंट्री होगा। देखिए बाहर से दिखा रही हूँ मैं, अभी हम अंदर जाएंगे। यहाँ पे तो सब लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद आप लोग देख पा रहे हो। एक एक चीजों के बारे में डिटेल्स नहीं बता सकती मैं। जैसे इस रूम में सब प्रिजर्व करके रखा हुआ है पुराने चीजों को। यहाँ पर भी है, यहाँ पर लायन जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन लायन नहीं होगा, ड्रैगन नहीं, या पता नहीं मुझे। यहाँ पर भी है, यहाँ पर हाथी है, और यहाँ पर नीचे का ये तो मुझे पता नहीं है क्या है, कौन सा जानवर है। ऐसे बहुत सारे पुराने चीजें हैं। यहाँ पर भी ड्रैगन हो सकता है, मुझे पता नहीं इतना। सब है अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है इन लोगों ने। Thank you.
क्या क्या हम लोगों ने देखा अभी, क्या क्या है। और अभी थोड़ा बाहर गार्डन में घूमते हैं, क्या क्या है पता नहीं है, अभी देखेंगे हम लोग। दिख रहा है यहाँ पे ऐसे वाला 9 पत्थर है, ये 9 ग्रह बोलते हैं, गार्ड ने समझाया मुझे, पता नहीं मुझे तो। उधर कुछ है जाएंगे अभी हम लोग, अभी हमारे एक दोस्त के घर जा रहे हैं। ये हमारे दोस्त का एंथेरियम फ्लावर का गार्डन है, यहाँ से वो सप्लाई भी करता है मेरे हस्बैंड के बचपन के दोस्त हैं। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को इसकी गार्डन को। ब्लॉग यहीं पर ही खत्म करते हैं त्रिपुरा की इस नेचर ब्यूटी के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।